और अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां पर फायरिंग के वारदात को लेकर लोग दहशत में हैं। कल रात बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर में आप बेखौफ बदमाश को फायरिंग करते देख सकते हैं। बाइक से आए इस नकाबपोश बदमाश ने दिल्ली के गोकुलपुरी के पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। तस्वीर को देखकर साफ है कि बदमाश को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बड़ी आसानी से आए, दनादन 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की और मौके से फरार भी हो गए। वारदात कल रात दिल्ली के गोकुलपुरी की है। नकाबपोश बदमाश ने जिस पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग की, वो बीजेपी नेता हरीश चौधरी की है। फायरिंग में पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी घायल हुआ है। फायरिंग की खबर पाकर मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम भी पहुंची और वहां पड़े गोली के खोखे जब्त किए। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप मालिक हरीश चौधरी ही हमलावर के टारगेट पर थे। वैसे हरीश चौधरी के ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक हरीश चौधरी इलाके के बैड कैरेक्टर के तौर पर घोषित हैं। फायरिंग करने वाले शूटर किस गैंग के थे, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि बदमाशों ने मौके पर कोई पर्ची नहीं फेंकी है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है।